जल्दी मसल गेन करना चाहते हैं, फास्ट मसल गेन करना चाहते हैं, अंडरवेट है या मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनी है, एंड तक जरूर देखना बगैर स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं बात करने लगा हूँ सीरियस मास गेनर ऑन प्रोडक्ट की, इसका रिव्यू देने लगा हूँ। ये मार्केट में आज से नहीं, बहुत पहले से ही इसका नाम बहुत ज़्यादा है, ये बहुत फेमस प्रोडक्ट है, और इवन जो भी बिगिनर है जिनको 6-7 महीने हो जाते हैं वो सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो इसी का नाम लेते हैं, और इवन जो कोच वगैरह वो भी यही रिकमेंड करते हैं। क्यों, मैं आपको आज बता देता हूँ। देखो, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और या फिर जो अंडरवेट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जिनका वेट बहुत कम है, 50 kg 55 kg के हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाइट है तो 60 kg के वेट पे हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें मैं आपको बता दूँ। पहले आपको इसका बता दूँ, 6 pound का जो इसका जार है वो आपको 3,500 में मिल जाएगा, मतलब कि 1 kg जो ऑलमोस्ट आपको 1,000 rupees में मिल रहा है, कहने का मतलब है सस्ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी बता दें, अगर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बात करें तो आपको जो है 2 scoop जो है इस, इन्होंने क्वांटिटी बताई है 334 ग्राम, तो 334 ग्राम में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 334 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 1,263 कैलोरीज मिल रही है जिसमें 50 ग्राम प्रोटीन है और 252 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है और 20 ग्राम शुगर है। तो मैं बात बताऊं, अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट 1/6, 1/7 है इसका, जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं 334 ग्राम में, अगर 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो वो बहुत कम प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन में ये लैक कर रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मेनली शुगर की बात करूँगा, तो 20 ग्राम शुगर, हालांकि ये 334 ग्राम में 20 ग्राम शुगर कम है अगर आप देखें ऐसे तो, पर ये चीज़ नोट करें कि अगर 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 20 ग्राम शुगर मिल रही है यार, तो शुगर कितनी ज़्यादा हुई इसका मतलब, ये चीज़ भी आप नोट करें, है ना, क्योंकि प्रोटीन और शुगर का रेशो भी देखें, इवन अगर आप कार्ब और शुगर का रेशो देखें वो भी ज़्यादा है, ठीक है। हमें कार्ब जो है अगर हम बढ़िया सोर्स से लें वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, शुगर वगैरह से नहीं होने चाहिए हमारे कार्ब। और एक और चीज़ बता दें कि प्रोटीन और अगर आप कार्ब का रेशियो देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा है, कार्ब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप जल्दी गेनिंग करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा वीक मसल है, बहुत ज़्यादा अंडर वेट हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है, ठीक है। और अगर आपके पहले ही मसल बिल्ट है, आप सोच रहे हैं मैं और गेनिंग करूंगा, तो अगर आप वैसी चीज़ सोचोगे, अपने दिमाग में लेके आओगे, पहले से मसल बिल्ट है और गेनिंग करना चाहोगे, तो ये समझ लीजिए वो गेनिंग आपकी फैट से ही होगी। अच्छा, आगे बात करते हैं, इसमें फैट जो है 3 ग्राम है, 334 ग्राम में 3 ग्राम फैट मिल रहा है, 1.5 ग्राम जो है सैचुरेटेड फैट है, फैट मतलब नॉर्मल है, फैट से घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। और अब जो नेक्स्ट बात मैं करने लगा हूँ, शुगर मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि शुगर सच में ही ज़्यादा है, प्रोटीन तो इस टू शुगर का रेशियो अगर देखा जाए तो जो है प्रोटीन लैक कर रहा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम है और शुगर ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इसमें जो और जो विटामिन वगैरह जो और मिनरल्स वगैरह वो सारे हैं मौजूद, वो उसमें कोई इन्होंने वो नहीं किया, कमी नहीं की, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बात करो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 1 ग्राम तक है इसमें, और जो एल ग्लूटामाइन वो आपको 1 ग्राम तक मिल रहा है। मैंने जो पीछे प्रोडक्ट रिव्यू किए हैं, इवन मास गेनर भी रिव्यू किए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, आरसी किंग मास गेनर की रिव्यू भी है और भी रिव्यू दिए हैं मैंने मास गेनर्स के। मैं एक चीज़ बताऊंगा कि उनमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और ग्लूटामाइन के अलावा भी BCAAs भी डाले गए थे, ये मैं सच में ये है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन वेलाइन और भी कई अमीनो एसिड जो हैं उसमें डाले गए हैं इवन मास गेनर्स में भी, तो ये कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ भी लैक कर रही है थोड़ी। पर अगर हम बात करें कि गेनिंग की, जो अंडरवेट लड़के हैं और जिनके पास बजट नहीं है, जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं, उनके लिए ये कैसा प्रोडक्ट रहेगा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा और सीरियसली ये गेनिंग बहुत बढ़िया करेगा। पर शर्त ये है कि आप पहले अंडरवेट होने चाहिए और या फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होना चाहिए। कई लड़के मुझे पूछते हैं कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है मेरा, मैं जो भी खाता हूँ मेरी बॉडी को लगता ही नहीं है, तो उसका रीज़न ये समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म ही फास्ट है वो। अगर बॉडी को आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हैं तब भी लग ही नहीं रही, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। आपको अपना वर्कआउट भी उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कैलोरी इंटेक भी अपना प्लान करनी पड़ेगी, अपनी डाइट प्लान करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये न्यूट्रिशन जो, उसके बाद जो ये सप्लीमेंट है वो ऐड कर सकते हैं आप। पर कंडीशन वही है जब आप अंडरवेट हो या फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो, आप बहुत जल्दी डाइजेस्ट करो, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर रही है आपकी बॉडी, तब ये दोनों ही कंडीशन में आप जो है सीरियस मास गेनर प्रोडक्ट ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है क्योंकि ये जल्दी गेनिंग करेगा। इवन जब शुगर भी है, शुगर भी जब इंसुलिन स्पाइक करती है तो न्यूट्रिएंट्स जल्दी जाते हैं, ये इसका एक पॉजिटिव देख सकते हैं हम शुगर का, पर हालांकि शुगर के बहुत ज़्यादा नुकसान है,
या हम सिंपल सी चीज़ जानते हैं, शुगर से हमें डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम या और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। पर इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही वार्निंग मैं दे रहा हूँ कि अगर आप पहले ही मास गेन कर चुके हैं, आपका मसल है और आप अब सोच रहे हैं कि मैं इससे वजन बढ़ाऊंगा, इससे मैं मास गेन करूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर फैट गेन ही होने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले ही शेप में, आपकी बॉडी पहले ही बढ़िया है। आप अगर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आप अपनी शेप ख़राब कर देंगे बॉडी की, और आपने जो मसल गेन किया उसके ऊपर फैट की लेयर जमनी शुरू हो जाएगी, तो मसल विजिबल भी जाए वो नहीं होंगे, और अगर वेंस वगैरह भी विजिबल है और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उनसे वो भी विजिबल नहीं होंगे। तो ये प्रोडक्ट अगर किसके लिए बना है, तो मैं सिंपल सी भाषा में कहूँगा कि अंडरवेट लड़के जो हैं, जो कि एटलीस्ट अच्छा दिखना चाहते हैं, कपड़े डाल के अच्छा दिखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, खाई पी चीज़ जो है लगती नहीं है शरीर को, जो भी खाते हैं लगता है, ये पूरा दिन खाते रहते हैं तब भी शरीर को नहीं लगता, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहेगा। आप जो है अपने पानी के साथ ले सकते हैं जिम के बाद, और इवन आप मॉर्निंग में मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा इसका, ये प्रोडक्ट का रिव्यू था मेरी तरफ से, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सिर्फ अंडरवेट और मेटाबॉलिज्म जिनका फास्ट है उनके लिए। तो ये मेरा रिव्यू था, भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें आप आगे किसका रिव्यू चाहते हैं और ये रिव्यू आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।